राष्ट्रीय राजधानी और इसके आसपास के इलाकों के अलावा यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक रात 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रात 8:52 पर 4.6 तीव्रता और रात 1:57 पर 5.7 रिक्टर स्केल तीव्रता रही है। वहीं भूकंप के कारण नेपाल में घर गिरने के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वहां भूकंप की तीव्रता 6.3 रिक्टर स्केल मापी गई। इसमें लोगों में दहशत का माहौल बन गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल के कालीकोटी में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था। रात 3:15 पर नेपाल में लगभग उसी जगह पर एक बार फिर से भूकंप का केंद्र दर्ज किया गया। जिस वक्त भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में लगे, उस वक्त अधिकतर लोग सोए हुए थे। जिन्हें पता लगा वो फौरन से घरों से बाहर निकल गए। बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। नहीं खास ज्यादा ऐसे कुछ नहीं था ऐसे। हाँ, जो भी था, जो बहुत ऐसे, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत ऐसे बंदे को पता चला है, आज बहुत ऐसे बंदे को पता भी नहीं चला। मैं तो सवारी उतार रहा था। दोबारा तो महसूस नहीं हुआ? नहीं, दोबारा नहीं हुआ। जब सवारी उतार रहा था, उस समय सवारी फिर रिटर्न मेरी गाड़ी में बैठ गई। अरे भैया क्या हो रहा है? मैंने बोला 2 मिनट बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता कहीं चक्कर वक्कर आ गया हो। लेकिन बाद में थोड़ा पता चला धरती दौड़ लगा इस चक्कर में। जब मैं ऑटो से उतरने लगा तो मतलब उतरते उतरते एकदम झटका लगा मेरे को। ऑटो वालों को गया यार क्या हो गया ये, मतलब महसूस भी हुआ मेरे को। आसपास में देखा तो मतलब मॉल भी मतलब अजीब सा हो गया था। ऐसा महसूस हुआ कि हम बैठे हुए थे एक्चुअली, और कॉफ़ी पी रहा था रिसेंटली, एंड देन उसके बाद सीट एकदम से थोड़ी बहुत हिली, एंड देन अलार्म बजा ऑफिस का कि भूकंप आया एंड अर्थक्वेक आया। देन उसके बाद हम तुरंत ही बाहर आ गए और हमने सब लोग बाहर सबको बोला कि आप लोग भी बाहर आ जाओ, क्योंकि काफ़ी तेज आया था। और बाकी हमने सब कुछ नॉर्मल कर लिया। देन हम 10 मिनट तक बाहर ही रहे और देन उसके बाद हम ऑफिस में चले गए और अपना वर्क स्टार्ट कर दिया।